Good morning and Jain to all of you. This is Rashmi Singh from BS Memorial Public School. Today I am going to start with chapter 3 of history, early women second. So basically इस chapter में क्या दिया? इस chapter में कहा गया कि after leading a nomadic life for thousands of years, human gradually began to settle down to live in one place. This process started about 10,000 years ago during the New Stone Age. Many new developments during this time changed the course of life of the early women. So basically ये process कब start हुआ? पहले तो क्या हुआ था, अर्ली वुमेंस जो थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब थाउजेंड ईयर्स अगो नोमैडिक लाइफ जीते थे. एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, किस लिए? फूड एंड शेल्टर्स के लिए. फिर उसके बाद ह्यूमन ग्रेजुअली बिगेन टू सेटल डाउन इन प्लेस. फिर वो क्या करने लगे, एक ही जगह सेटल होने लगे, मतलब बेसिकली एक जगह रुक गए और वहीं अपना घर बना लिए, जो भी उनको टेम्परेरी या परमानेंट टाइप का घर बना लिए और उसी के वहीं अपना रहते थे. और ये कहाँ करते थे, अक्सर जो रिवर्स होते थे उनके नज़दीक, जिससे कि उनको मिनरल्स फूड वाटर की प्रॉब्लम ना हो. मैनी न्यू डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ द अर्ली वुमेंस. अब ये जो टाइम पीरियड था इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट्स आए, उनके अंदर चेंजेस आए, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को और मॉडिफाइड किया. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, वुमेंस प्रोड्यूस. वी डोंट नो हाउ वुमेंस कम अपॉन द आइडिया ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कैसे उनके दिमाग में आया कि अब हमें क्रॉप की कल्टिवेशन करनी चाहिए. सीड्स थ्रोन अवे केयरलेसली माइट हैव स्प्राउटेड एंड सजेस्टेड टू देम द लिंक बिटवीन द सीड्स एंड प्लांट्स. सीड्स थ्रोन अवे, ये कहा गया कि हो सकता है इन्होंने सीड्स ऐसे कहीं फेंक दिए हों और फिर उसमें से प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैम सीड्स कहाँ से आए, तो इन कुछ चीज़ों, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता. जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक एज्यूम किया कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा और इन्होंने कहीं सीड्स फेंक दिए होंगे, फिर वहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई हो. इस तरह द फर्स्ट सीड्स थ्रोन अवे केयरलेसली माइट हैव स्पॉटेड एंड सजेस्टेड टू देम लिंक बिटवीन सीड्स एंड प्लांट. द फर्स्ट सीरियल्स टू बी ग्रोन वर वीट एंड बार्ली. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं भी बहुत जगह आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो अर्ली वुमेंस थे उन्होंने किस फूड की ग्रोथ करना स्टार्ट की. तो बेसिकली सबसे पहले उन्होंने क्या स्टार्ट किया, वीट एंड बार्ली, गेहूं और जवा, वीट एंड बार्ली का कल्टिवेशन करना उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस स्टार्टेड कल्टिवेटिंग फूड क्रॉप्स. सिकल्स हैव बीन फाउंड एट मेनी न्यूलिथिक साइट्स. दे मे माइट हैव बीन यूज्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप. अब देखिए क्या गया कि समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने फूड जो क्रॉप्स हैं उसकी कल्टिवेशन स्टार्ट कर दी. पहले इन्होंने सबसे पहले किसका स्टार्ट किया, वीट एंड बार्ली का. फिर धीरे धीरे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स के इन्होंने कल्टिवेशन स्टार्ट किया, क्योंकि जो नियोलिथिक साइट्स थे, नियोलिथिक साइट में जब खुदाई हुई तो वहाँ इन्हें क्या मिला, इन्हें सिकल मिला. सिकल आप जानते हो ना, जैसे हिंदी में ये कहते हैं क्वेश्चन मार्क टाइप में बना होता है सिकल्स, वहाँ सिकल्स कल्टी मतलब जो एक्सकवेशन हुई, जो खुदाई हुई, वहाँ सिकल्स मिले. उससे ये अनुमान लगाया गया कि जो उस टाइम अर्ली वुमेंस थे वो भी क्या करते थे, फार्मिंग करते थे. दस फॉर्म ऑफ फूड गैदर ह्यूमंस बिकम्स अ फूड प्रोड्यूसर. देखिए जब लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था इनको, हमने अर्ली वुमेंस को कहा था फूड गैदरर्स, क्योंकि ये क्या करते थे, अलग अलग जगह जाके फूड को इकट्ठा करते थे. अब ये अलग अलग जाने जगह जाने की अपेक्षा एक जगह रुक कर फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, एक जगह रुकने लगे, फार्मिंग करने लगे और उसके बाद उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना चाहते थे. देखो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपनी फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर. पहले इकट्ठा करते थे, अब खुद पैदा कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद उसका कल्टिवेशन कर रहे हैं. एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली वुमेंस. दे लिव्स देयर लाइव्स वाज सेटल्ड, दे डू नॉट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. अर्ली वुमेंस जो एग्रीकल्चर ने, खेती ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी. पहले उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, बट नहीं, अब वो एक जगह रह के आराम से अपने क्रॉप्स के ग्रोथ करते थे, हार्वेस्टिंग कल्टिवेशन सब करते थे. दे मेड मड हाउसेज नियर द फील्ड्स. और जिस जमीन पे ये अपना फार्मिंग करते थे उसी के बगल में अपना घर बनाते थे. किससे बनाते थे अपना घर, मिट्टी से, ठीक है, मड से. ये मिट्टी से अपना घर बनाते थे, मिट्टी के घर आपने देखा होगा ना गांव में अभी भी, तो ऐसे ये भी अपना मिट्टी का घर बनाते थे. दे कल्टिवेटेड फील्ड्स, हंटेड एनिमल्स एंड मेड टूल्स एंड वेपन्स. दे कल्टिवेटेड फील्ड्स, इन्होंने खेतों की जुताई की, हंटेड एनिमल्स, क्योंकि देखिए पहले से ही जो ये फूड गैदरर जब इनको कहा गया था तो ये एनिमल्स की हंटिंग करते थे, ये उन्होंने तब भी कंटिन्यू की. एंड मेड टूल्स एंड वेपन्स, टूल्स वेपन्स ये शुरू से बना रहे थे स्टोन से. शिफ्ट फ्रॉम गैदरिंग फूड टू ग्रोइंग इट इज वॉज अ मेजर इवेंट. ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब पहले एक गैदरर से फिर उसके बाद क्या बनना है, प्रोड्यूसर.
It is, however, important to understand that such changes do not happen in the course of few years. Humans adopted and perfected farming over several thousand years. Also, they continued to hunt animals and gather food even after they started cultivating crops. ये माना जाता है कि ये ऐसा तो नहीं कि एक दिन में इनके अंदर सारे changes हो गए, इन्हें काफी साल लगे होंगे और खेती करने के अलावा, farming के अलावा इन्होंने hunting of animals भी बंद नहीं किया, ये उसे भी continue किए थे. Humans domesticated animals. This is the third paragraph. Besides cultivating crops, early humans also started domesticating animals. अब जिन जानवरों की hunting करते थे, अब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है? They tamed animals such as dog, pigs, goat, sheep, cattle, horses and donkeys. इन्होंने इन different animals को पालना शुरू किया. Goats, अब देखिए सबका अलग अलग काम होगा, सबको अलग अलग जरूरतों के लिए इन्होंने पाला था. Goats and cattle provided milk. Cattle का means इसमें cow वगैरह हो गए. Goats and cattle का use करते थे milk के लिए. Sheep उनको wool देते थे. Horse and donkey, जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो burden carry करने के लिए, जो भी भार जो भी सामान रहता था उसको carry करने के लिए ये horses और donkey का use करते हैं. Animals are also source of meat. Animals also देखिए क्योंकि जो आपके goats थे इनका use किसके लिए करते थे, नॉनवेज के लिए, मीट के लिए भी करते थे. थर्ड पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ह्यूमंस इन्वेंट द व्हील. इन्होंने किसका इन्वेंशन किया, व्हील का. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द प्रोग्रेस. इनका जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो इन्होंने किया वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील का. वी डोंट नो हाउ द आइडिया ऑफ व्हील ऑकर्ड ऑफ द अर्ली ह्यूमंस. हमें नहीं पता कि कैसे इनके दिमाग में आया व्हील की, व्हील को लेकर कैसे इनके अंदर चेंजेस आए. पॉसिबली a log or a stone rolling downwards sparked this idea. हो सकता है उन्होंने किसी पत्थर को घूमते हुए देखा होगा या किसी ऐसी चीज़ को घूमते हुए देखा होगा, फिर उससे उनके पास ये व्हील का आइडिया आया. The wheel changed people's life in many ways. व्हील ने इनकी लाइफ को बहुत तरीके से चेंज कर दिया. They could now go from one place to another much faster than before. ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे क्योंकि देखिए जब इन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया तो जिस हॉर्स पे बर्डन लेके जाती थी अब उसी को इन्होंने व्हील की हेल्प से वहाँ खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के, मतलब नॉर्मल सी बात है जहाँ पैदल जा रहे हो अगर आपको वहीं गाड़ी मिल जाएगी तो जल्दी पहुँच जाओगे कि नहीं. सेम इसी तरह जब इन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस था वो और फास्ट हो गया. पहले तो पैदल जाते थे जहाँ भी जाते थे, अब इनके पास एक कहते हैं घोड़ा गाड़ी टाइप का पूरा इन्होंने बना लिया था. दे कुड ऑल्सो मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स मोर ईजली. अब ये जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ईजिली मूव करा सकते थे उसी अपने ट्रांसपोर्ट पे. द व्हील हैज़ इम्प्रूव द पॉटरी मेकिंग. देखिए ये सेकेंड थी, व्हील की हेल्प से इन्होंने पॉट्स मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए थे. द पॉटर्स व्हील केम टू बी यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. पॉटर्स व्हील, अब जो आप अगर अभी भी आपने हो सकता है गाँव में कहीं देखा होगा जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ऐसे पूरा व्हील टाइप का होता है, ठीक है, उसी पर मिट्टी रख के उसी को ऐसे घुमा के उसी अपने हाथों से उसको शेप देते हैं. होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ रहा होगा. हिस्ट्री. ह्यूमंस मेक पॉटरी. वेसल्स आर नीडेड. वेसल्स आर नीडेड टू स्टोर ग्रेन्स. अब इन्होंने मिट्टी का बर्तन क्यों स्टार्ट किया, भाई नॉर्मल सी बात है मिट्टी का बर्तन इन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि वो उसमें कुछ स्टोर करना चाहते हैं. क्या? ग्रेन्स, अनाज, लिक्विड्स, पानी, कुक्ड फूड एंड नीडेड टू बी केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग हीट एज वेल. खाना बनाने के लिए भी इन्होंने उस पॉटरी जो बर्तन बनाते थे मिट्टी का उन्होंने इसका यूज किया. ह्यूमंस लर्न टू मेक क्ले पॉटरी which was shaped by hand and then baked in a fire. Women's learned. देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको बेक भी किया, पकाया भी, मतलब कच्चे बर्तन नहीं बनाए, बनाने के बाद उन्होंने उसको पकाया, बेक किया जिससे वो और मजबूत हो सके. The potters being unable them to make pots of different shape and size is much lesser time. Later they started gathering and decorating the pots. अब देखिए जब उन्होंने व्हील से जो व्हील का यूज़ करके मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा समय में ज़्यादा बर्तन बनाने लग गए, वेसल्स बनाने लग गए. उसका यूज़ किस लिए करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, लिक्विड्स रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि उस समय उनके पास हमारी तरह यूटेंसिल्स नहीं थे, उनके पास एल्यूमिनियम, जिंक ये सब नहीं था. उसके अलावा इन्होंने क्या किया स्टार्ट किया, इन्होंने उन पॉटरीज को डेकोरेट करना स्टार्ट किया. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स. Chaired grains and seeds of wheat, barley and many kinds of lentils have been found from Barzong in Jammu and Kashmir, Mehrgarh and other sites. देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी ग्रेन्स, वीट के सीड्स,
बार्ली के और कुछ लेंटिल्स मतलब दाल, लेंटिल्स को मतलब दाल होती है, कोई भी दाल हो सकती है, उन डिफरेंट दो जगह बताए इन्होंने, एक मेहरगढ़ और दूसरा जम्मू कश्मीर में बरजम, ये दो जगह पे इन्हें ये सब चीज़ खुदाइयों पर मिली। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, मैम वो अब तक डिकम्पोज क्यों नहीं हुआ, वो तक पड़ा था, तो कुछ चीज़ों के जवाब आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि जब उस समय तक उनका एग्जिस्टेंस रहा हो, उन्हें वो जो सीड्स रहे होंगे उनको नहीं कीड़े खाए, वो नहीं सड़े। पिट हाउसेज, मैनी पिट हाउसेज हैव बीन फाउंड एट बरजम, पीपल यूज टू स्टोन टूल्स टू डिग सर्कुलर पिट्स इन टू द ग्राउंड, देन प्लास्टर द साइड्स विद मड। These pits were usually narrow at the top and wide at the base. These pits that were deep had steps that led down. Ash, charcoal, pieces of pottery have been found in these pits. Some of the pits have been made to store of or clay. These ovens have been used to cook food. Perhaps people lived in this pit house when the weather was cold. देखिए pit houses, many pit houses. इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया, पिट हाउसेस जो कहाँ पाए गए, बर्जम में। पीपल यूज स्टोन टूल्स टू डिग सर्कुलर पिट्स इन द ग्राउंड, उन्होंने स्टोन के टूल्स का यूज किया, पिट का मतलब होता है गड्ढा टाइप का, तो इन्होंने क्या किया इसको डिग करने के लिए, इसे खोदने के लिए कैसे टूल्स का यूज किया, स्टोन टूल्स का यूज किया। दे देन प्लास्टर द साइड्स विद द मड, फिर उसको खोदने के बाद मिट्टी से ही उन्होंने उसको साइड से पूरा प्लास्टर्ड कर दिया। दीज पिट्स वर यूजली नैरो एट द टॉप, ऊपर की तरफ नैरो रहता था पतला, और नीचे उसका जो बेस था वो काफी वाइड होता था, ये बहुत ही डीप होता था। हैड स्टेप्स दैट लेड डाउन, और इसमें ना ये लोग स्टेप्स बनाते थे नीचे की तरफ जाने के लिए। एश, चारकोल, पीसेस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन दीज पिट्स, तो जब खुदाई हुई तो वहाँ एश, राख, चारकोल और कुछ पॉटरी के पीसेस पाए गए। सम ऑफ द पिट्स हैव वोवन मेड ऑफ स्टोन और क्ले, कुछ पिट्स ऐसे भी रहते थे जो स्टोन से बने हुए रहते थे, ठीक है। दीज वोवन्स हैव बीन यूज्ड टू कुक फूड, पेयर्स पीपल लिव इन दिस पिट हाउस विन वेदर। अब इन्होंने इसको क्यों बनाया होगा, ये कहा गया कि इन्होंने इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जब ठंडी का मौसम आएगा तो वो इसमें रहते थे, क्योंकि जब खुदाई के वक्त वहाँ इन्होंने जैसे भट्टी नहीं होती थी, अभी भी आपने देखा होगा गाँव में जो दूध रखने के लिए होती है, ऐसे इन्होंने भट्टी उसके अंदर बनाए के रखी जिससे खाना बनाया ठंडी के समय उसी में बैठ के अपना खाना बना सके। पॉटरी, हैंडमेड एज वेल एज व्हील मेड पॉट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनी साइड्स, दीज वर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, some of them were decorated, pots may have been used to cooking as well as stone। अब देखिए पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन थे कुछ तो हाथों से बने थे, क्योंकि जब तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ तब तक तो हाथ से बना रहे थे पूरी तरह, हाथ से उसको शेप दे रहे, हर चीज़ हाथ से कर रहे थे। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो इनका काम और फास्ट होने लगा। ये डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की जो एग्जीबिशन किया वहाँ डिफरेंट साइट्स पे, साइट्स मैंने आपको बताया था ना वो जगह जहाँ आर्कियोलॉजी जैसे कोई जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है वो अब खत्म हो गया है, पूरा बंजर हो गया है, या पूरा ऊपर की जो भी था वो डह के नीचे दब गया है मिट्टी के नीचे, तो जब खुदाई के वक्त आएंगे तो वही एक साइट बन जाएगा। देयर वर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देखिए अब जो मिट्टी के बर्तन थे वो अलग अलग शेप्स एंड साइज के थे, क्योंकि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ फूड्स के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए, लिक्विड के लिए, इन्होंने अलग अलग तरह के शेप एंड साइज, और इवन उन्होंने उनको डेकोरेट करना भी स्टार्ट कर दिया। टूल्स, टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स, बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल हैव बीन फाउंड, स्टोन टूल्स हैव being found in maximum number, they include hand axes, scrapers, borers, cleavers, etc. Most of them were polished. The bone tools include the harpoons of fishing, needles for sewing, and arrowheads, spearheads, and daggers for hunting. Tools, basically, you know, सबसे पहले tools किसका बनाना start किया था, stones का, फिर bones का, हड्डियों का, और horns, सिंग, जो सिंग नहीं होती जानवरों की, इनका इन्होंने tools बनाना start किया। बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स किसके पाए गए थे, स्टोन टूल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेफर स्टोन को करते थे। उसमें हैंड एक्सेस थे, कुल्हड़ी थी, स्क्रैपर्स था छीलने के लिए, काटने के लिए, छोटे छोटे चॉपर्स थे, और फिशिंग करने के लिए बनाया था इन्होंने, नीडल्स बनाया था सिलने के लिए, जो भी सिलना रहता था उसी नीडल से सिलते थे। एरो हेड्स बनाए थे क्योंकि जो इनके पास एरो हेड्स होते थे जिससे हंटिंग करते थे, और स्पीयर हेड्स, ये डिफरेंट तरह के इन्होंने टूल्स बनाए थे। सो बेसिकली ये पूरा पार्ट वन है बेटा, पार्ट टू में हम चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।